डेरा सच्चा सौदा सिरसा दा प्रबंध हनीप्रीत हवाले कीते जाण दा मामला एक बार फिर चर्चा विच आ गया है। डेरा मुखी संत गुरमीत राम रहीम सिंह इस वेले कतल अते बलात्कार दे मामलों विच हरियाणा दी सुनारिया जेल विच सज़ा कट रहे ने। डेरा मुखी की गैर हाजिरी में डेरा सच्चा सौदा का प्रबंध हनीप्रीत हवाले किए जाने हनीप्रीत गुरु का दर्जा दिते जाने की चर्चा दौरान शुक्रवार को डेरा मुखी संत गुरमीत राम रहीम सिंह वालों डेरा प्रेमियों के नाम लिखा गया एक होर पत्र इस वेले चर्चा में है। शुक्रवार को डेरा सच्चा सौदा सिरसा विखे विशाल भंडारा करवाया गया, नाम चर्चा भी हुई। इस मौके डेरा मुखी का पत्र पढ़ के सुनाया गया। इस पत्र डेरा मुखी ने सारे डेरा प्रेमियों को शांति बनाई रखन अते किसी बहकावे विच ना आउण दी अपील करदिया स्पष्ट किया है कि परम पिता जी ने उन्हां नूं गुरु बनाया सी ते इस वेले भी ओहो ही गुरु हन अते गुरु ही रहणगे। डेरा मुखी दी इस चिट्ठी तों इह तां स्पष्ट हो ही गया है कि अजे हनीप्रीत नूं डेरे दे प्रबंध संभालण दी संभावना नहीं है, पर डेरा मुखी का यह स्पष्टीकरण यह भी साबित करता है कि अंदर खाते कोई ना कोई मामला भखता जरूर रहा है। भावें डेरा मुखी ने अपने पत्र विच ना ही तो हनीप्रीत का नाम लिखा ना ही होर किसी का नाम लिखा, पर डेरा मुखी ने संगतां नूं किसी ना पक्की प्रचार तो सावधानी वरतन लई कहा। तुहानू दस दईए कि पिछले समय विच अजिहियां रिपोर्टां आईयां सन कि एक धड़ा हनीप्रीत का पक्ष पूर रहे ने अते दूजा धड़ा हनीप्रीत का विरोध कर रहे ने। इस संबंधी हनीप्रीत वालों खुद भी स्पष्ट कर दिता गया सी कि संत गुरमीत राम रहीम ही गुरु रहणगे, पर फिर भी डेरा विच चर्चावां दा बाजार गर्म है। डेरा मुखी भावें हमेशा हनीप्रीत प्रति नरम रवैया रखते ने पर अजे पूरी स्थिति स्पष्ट होनी बाकी है। इंज लग रहा है कि अगले दिनों फिर डेरा सिरसा विच कोई हलचल जरूर होगी।